नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। और इसी बीच एमिवे बंटाई का एक और नया गाना, एक और नया कोलैबोरेशन आ चुका है, जिसका नाम है फिर से मचाएंगे। वेल, नाम सेम है पर रीमिक्स है ये, जो मैक्लेमोर के साथ किया है। ये इसकी बीट दी है टोनी जेम्स ने। और उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूं, इससे पहले तुम लोग बोलो कि मेरी आवाज़ क्यों ख़राब है, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और कोई रीज़न नहीं है। माइक वाइक सब परफेक्ट चल रहा है। प्लस आज मैंने थोड़ा सा एसी चला दिया था, क्योंकि तुम लोग की इतनी कंप्लेंट कि भाई पसीने आते हैं, भाई गर्मी, भाई दिल्ली में टेम्परेचर जानते हो कितना टेम्परेचर है। और यही रीज़न है कि थोड़ा सा स्वेटी हो जाता है, क्योंकि एसी नहीं बंद करूँगा, देखो ऐसी आवाज़ आएगी। और ये आवाज़ ना फिर लोगों को चुपती है, फिर वो कहते हैं अबे यार ये क्या। तो क्लियर ऑडियो रखने के लिए एसी, पंखा सब बंद करना पड़ता है, गर्मी में ही शूट करना पड़ता है। कोशिश करता हूँ मैं बार बार वाइप आउट कर लूँ, क्योंकि ये वीडियो अनकट होती है, इसलिए मैं जो होता है वो हो ही जाता है, मतलब जो पसीने आते हैं वो आ ही जाते हैं। सॉरी फॉर दैट उसके लिए। और काफ़ी लोगों का डीएम आ चुका है मेरे को कि भाई तो लेट है, भाई बहुत लेट है, गाना आ चुका है, रिएक्शन किधर है। मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में ही बताया था, मैं फिर से बताता हूँ, मैं जॉब करता हूँ यार, अभी भी मैं अपना लंच टाइम में ये रिकॉर्ड करूँगा। मुझे नहीं पता मैं लंच टाइम के बाद खाना वाना वही वो रोली पोली बना के काम करते हुए खाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। मोस्टली रिएक्शन 6 बजे के बाद ही आएंगे, लेकिन ये इस गाने के लिए लोगों ने जो लिख के डीएम्स कर करके मेरे को पागल कर दिया, तो मैं तुरंत अभी बना रहा हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं बहुत बोल रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को सीधा गाने पर जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ क्लैरिफिकेशन है जो मुझे लगता है कर देनी चाहिए। एक तो ये पसीने वाला, दूसरा मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा रिएक्शन में उसके लिए, और तीसरा मेरा नया गाना आने वाला है जिसका नाम है रिव्यू वाला रैपर नहीं। तो वो गाना बहुत जल्दी आने वाला है, और अब मैं डेट भी बता सकता हूँ, सैटरडे से पहले आ जाएगा 110% शो। गाना इज़ रेडी, बस वीडियो पे काम करना है, तो उसी पे करूँगा मैं ऑफिस के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाना सुनते कैसा है। और जिन जिनको नहीं पता मैं अभी बताता हूँ, फिर से मचाएंगे का मेरा रिएक्शन देख लेना। मेरे को वो गाना इतना खास नहीं लगा था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत बैकलैश देखने को मिला था लोगों की तरफ से। पर यार मेरा काम है सच बोलना, जो मेरे को फील हुआ। खुश मैं किसी को कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई लोग सोचेंगे मैं रफ्तार को फेवर करता हूँ, कोई सोचते हैं मैं मुंहफाड़ को फेवर करता हूँ, कोई सोचते हैं मैं एमवी बंटाए का चमचा हूँ। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ हमेशा कम पड़ जाता है, डिनो जेम्स की लाइन है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा गाना सुनते हैं कैसा है, और 3, 2, 1 एंड Drinking that latte, moving our bate. I'm a solo with the sauce, and I never take an update. Okay. Chai stand post up, no latte. BD smoke cloud, pup pup, Baranase selecta. Play one of those hits. India, you ain't ever seen colors like this. Turquoise and the orange and the yellow and the pinks. Fell in love as the sunset into the abyss. Grab your waistline. Kiss your neck to the baseline. Hold up, slow it down. Dave Brubeck, take 5. Let me do my 2-step. Crossover AI, peel up in the whip. एक तो पता नहीं मेरे को क्या obsession है, जब हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर मेरे को सुनने को मिलता है ना, और ये अभी से ही नहीं है, पहले से। तो मैं याद होगा एक और तीन लोगों का जो था गाना था, वो ऐसे गाते थे From your lips to your hips to your fingertips. ये कौन सा गाना था तुम्हें अगर याद है तो कमेंट करके बताना। ये गाने में मुझे यही पसंद आता था कि बीच में हिंदी और ऐसे इंग्लिश, तो ये मेरे को अभी से ही बहुत सही लगा। Great sky, skirt, skirt, windows up, watch the world disappear as we kick up dust. Let the magic of the night go and do what it does and never get in the way of somebody falling in love. I'm gone. Hey, आई मस्ट एडमिट, मैं तब भी ये वीडियो बना सकता था, फिर मेरे को लगा कि बोलोगे कि मैं पलट गया, लेकिन दिस बीट रियली ग्रोज ऑन यू। जैसे जैसे आप ज़्यादा सुनते जाते हो आपको और पसंद आती जाती है, यू ग्रूव विद इट। फीलिंग
फिर से मचाएंगे रिमिक्स बजा दे पब्लिक करी शोर मेरे को देख मैं मचा रहा मेरे साथ में मैकल मोर नए लिरिक्स है भाई नए लिरिक्स है उड़ घूमेंगे फिरेंगे पिएंगे हम लस्सी हिटर लोग परेशान है सोचे कैसे तू फंसी मेरे सिंगल देख के बड़ा था फर्क नहीं मुझे चेहरे से किसी की परवाह नहीं बस मतलब है मुझे तेरे से सिर्फ देखो मिलने के लिए निकलता हूँ मैं घर से खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे नहीं करेंगे डर के तेरे घर वाले भड़के तो मना लूंगा ज्यादा दिन नहीं बेबी देखो मेरी वाली बना लूंगा चलेंगे हम ट्रिप पे तब खाना वाना बना दूंगा गिटार बजाने आता है प्यारा गाना सुना दूंगा दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ सही में वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ तुझे लीन बॉडी पसंद है मैं हल्दी खाने चबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ ये जो फीचर किया लोगों को बहुत सही है आशीष चंचलानी भी आते हुए ओहो 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 ए हिप हॉप मचाएंगे गाना बज रहे ला ग्लोबल बंडाएगी वो ब्लिक फुल फायर कोई नहीं यहाँ पे सोवर सबको इज्जत मिलना चाहिए कोई नहीं यहाँ पे नौकर हंसना सीख ले वरना जिंदगी बिता रोकर मर्जी तेरी अच्छी सोच रख काम कर बना अपना मौका सीख उन लोगों से जिसने दिया तुझे दो भाई साहब ओरिजिनल गाने से ये वाली लिरिक्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है किसने रोका तेरा रोका तू चलेगा तेरे दाम पर दुनिया देखेगी तेको जाके पहले काम कर सलाम कर बड़े को कोई कलाम बनो गर्दी में सफर किया तो जाके तुम उड़ान भरो बर्थडे पे पार्टी नहीं बर्थडे पे दान करो जो भी उड़ रहे हवे में क्या तुम अभी चांद भरो जो भी उड़ रहे ले तुम अभी क्या अभी चांद में थोड़ा सा सफर है काम करते साथ में हाँ रखना थोड़ा सबर है पैसा डबल है जब भी तेरा वक्त आएगा किसी की गरज नहीं रखना मेहनत करके लाएगा इंडिया में बज रहा था गाना दुनिया बजाएगा पैसा कमाना आसान है प्यार कैसे लाएगा स्विमिंग पूल छोड़ अपन समंदर में नहाएगा फिर से मचाने बोले हाँ फिर से मचाएगा भाई साहब इस बंदे के बारे में जितना बोलूं मैं उतना कम है कहने के लिए रिमिक्स गाना है लेकिन सारी की सारी लिरिक्स नहीं है और आई लव दीज काइंड ऑफ लिरिक्स मुझे बहुत मज़ा आता है बुराई उन लिरिक्स में भी नहीं है पर मेरे टेस्ट की नहीं है तो उस वक्त मेरे को बहुत सुनने को मिला था कि तू बंटाई का हेटर एंड ऑल पर जो मैं फील करता हूँ वो मैं बोलता हूँ ये गाना बहुत फाड़ है और उसमें भी मैं तुम लोग को सच्ची बात बताऊँ तो वो गाना भी जब मैंने बार 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 सुना ना इट रियली ग्रू ऑन मी और मैं ये वीडियो बना के बताना चाहता था तुम लोगों को भी पर मैंने कहा यार अब लोग फिर इसलिए सोचेंगे क्योंकि दिस वॉज ह्यूज दिस सॉन्ग वॉज ह्यूज और अगर मैं पहले बोल के कि मेरे को इतना पसंद नहीं आया फिर वीडियो बनाऊँ कि इट ग्रू ऑन मी तो बहुत कम लोग मेरे पे विश्वास करते बोलते ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अब इसको कैश इन करना है पर गॉड गेव मी अनदर मौका टू टेल यू गाइस कि वो गाना भी रियली ग्रोज ऑन मी रियली ग्रू ऑन मी और ये वाला जो लिरिक्स है कि तू उड़ रहा है चांद पे है क्या भाई साहब इस लड़के की जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है एमी वे बंटाए इज प्योर फायर यू कॉन्ट स्टॉप दिस मैन यू कॉन्ट स्टॉप दिस गाय ही इज इन टू दिस पूरे दिल से और जिस तरीके का म्यूजिक बना रहा है आई मस्ट एडमिट कि ये म्यूजिक का लेवल बढ़ा रहा है इंडिया में हिप हॉप को सच में अपलिफ्ट कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक एमवे बनता है 110% है मैंने तुम्हें जैसे बताया ना वो कौन सा गाना यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि From your lips to your hips to your fingertips जब हम 11वीं 12वीं में तो बहुत गाने सुने उसके दुनिया मचलती रागनी जैसे कोई नशा यार मैं भूल रहा हूँ चलो मैं इस गाने के अभी इस रिएक्शन के बाद पक्का वो गाना सुनूंगा मेरे को वो बहुत ऐसे गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी का मिक्सचर होता है द फर्स्ट वर्स वॉज ऑल्सो वेरी क्योंकि उसमें इंडियन कल्चर का थोड़ा टच मार रहा था वो कि लस्सी वगैरह के जो उसने क्या कहते हैं पंचेज यूज़ किए थे और थोड़ा सा देसी टच आ रहा था उसके लिरिक्स में भी कि हाँ ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर इंडिया का कल्चर विच वॉज वेरी नाइस तो मेलकले मोर सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग लेकिन बहुत सही काम है एंड एमी वे बनता है केम एट द लास्ट एंड ही किल्ड इट
फिर से मचाएंगे, सॉरी फिर से मचाएंगे का जो क्या कहते हैं लिरिक्स था, इस वाली लिरिक्स ने बार बहुत हाई कर दिया यार. आई लव इट व्हेन ही डू थिंग्स लाइक दैट. एंड ऑल एंड ऑल मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में. तो जिसको फिर से मचाएंगे का मेरा रिएक्शन देखना है, और आप एम ई वी के फ़ैन हो और मुझे गाली देना चाहते हो तो प्लीज़ देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, मिल जाएगा आसानी से. तब तक के लिए ये गाना वॉज फायर फायर, और मेरा गाना भी बहुत जल्दी आने वाला है, सैटरडे से पहले आने वाला है. उससे पहले एक लाइव स्ट्रीम करेंगे ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात कर सकूं. तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो. 97% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते. भाई क्या चला जाएगा, फ्री में होता है सब्सक्राइब. मेरे को मेरा कंटेंट दिखाने का, मेरे को मेरा हुनर दिखाने का एक मौका दोगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो. या प्लीज़ डू सब्सक्राइब. अगर ये वीडियो पसंद आई, मेरा रिएक्शन रिव्यू पसंद आया, तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, पीस. घुटनों पर हूँ जमीन में अब तक गड़ा नहीं, भेड़ियों से कहो शेर जिंदा अब तक मरा नहीं. झंझोर के जिंदगी ने नींद से उठाया मगर सपना मैं जीतने का हूँ अभी तक मैं भूला नहीं. पैरों पे उठा मैंने जीवन को सलाम किया, मेहनत को चुना मैंने आराम को हराम किया. पहुंचाया दर्द जिसने वापस उसको डबल दिया, भरे मैदान में भाई ने सबको रगड़ दिया. फिर खोया नहीं भाई ने सिर्फ राज किया, लौंडे हो या सेटिंग साला सबका इलाज किया. खुद को संभाला और जीवन का कायदा सीख गया, निकला मैं जोंस तकरीक को फिर मैं कबर दिया.